हे प्रभु, इस बार हमारा दुकान चलवा दीजिएगा। इस बार हम पलंग का दुकान खोले हैं, हमारा कोई भी धंधा नहीं चलता है। इस बार कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए टकला नेता को और उसका धंधा चलवा दीजिए। हम एक से एक पलंग लाए हैं। कद्दूपुर में ऐसा कलेक्शन किसी के पास नहीं होगा। किसी को भी पलंग का जरूरत हो हमारे पास भेजिए, हम सही रेट लगाएंगे उसको। हमारे ऊपर कृपा बना के रखिए। सुनो रे काला कद्दू, बढ़िया से काम करना, हर बार तुम उल्टा सीधा करते हो। हमारा ये दुकान टकला पलंग वाला कद्दूपुर में फेमस होना चाहिए। कोई भी कस्टमर आएगा उससे तमीज से बात करेगा, किसी से भी बेढंगा की तरह बात नहीं करेगा। कस्टमर 10 मिनट के जगह आधा घंटा माथा चाटे तो चाटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको बढ़िया से डील करेगा, चिल्लाना नहीं उसके ऊपर, क्योंकि हर बार तुम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, कस्टमर गुस्सा के भाग जाता है। इस बार ध्यान से काम करना है, हम इतना बड़ा शोरूम खोले है, मेरा ये काम फ्लॉप नहीं होना चाहिए। अरे सेठ जी, आप चिंता नहीं कीजिए, काला कद्दू है ना, आपका जितना पलंग है एक महीना के अंदर पूरा बेच देंगे, पूरा स्टॉक खाली कर देंगे हम। अच्छा चुप रहा, कस्टमर आ रहा है। अरे लगता है नया पलंग का दुकान खुला है, चल के देख के आते हैं। अरे भाई साहब, नया दुकान लगता है खोले आप। हाँ चाचा, नया शोरूम खोले है, दुकान थोड़ी ना शोरूम है, ऊपर भी फ्लोर है शोरूम का। हाँ मस्त शोरूम लग रहा है तुम्हारा, पलंग रखे हो बढ़िया। अरे हाँ चाचा, पलंग का ही तो दुकान है, बढ़िया पलंग रखे है। कैसा पलंग चाहिए आपको? अरे वो तो पहले दिखाओगे तब ना बताएंगे कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। अरे हाँ चलिए चाचा दिखाते हैं आपको। ये पलंग देख रहे चाचा, 50,000 रुपया का है, कैसा लग रहा आपको? अरे हमको तो 10,000 रुपया का लग रहा है, 50,000 का कैसे बोल रहे हो तुम? शोरूम का पैसा हमसे ही ले लोगे क्या? अरे चाचा 50,000 का पलंग है, ठगेंगे थोड़ी ना, बढ़िया क्वालिटी का है, लकड़ी बढ़िया है इसका। ओह लकड़ी बढ़िया है, चलो दूसरा दिखाओ, ये हमको इतना बढ़िया नहीं लगा। हाँ तो ये देखिए चाचा, बगल में ही पड़ा हुआ है, ये 1,00,000 रुपया का है, ये कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं इसका पीछे टेक में गद्दा लगा हुआ है। अरे तो ही बता हमको सोना कहाँ है, नीचे वाला पे या जहाँ गद्दा लगा है वहाँ पे, ताकि नीचे में तो गद्दा लगा हुआ नहीं है, गद्दा तो तुम्हारा टेक में लगा हुआ है, पलंग खड़ा करके लगाना होगा क्या? अरे चाचा आप क्या बोल रहे हैं, गद्दा तो आपको देंगे ना। अच्छा गद्दा साथ में दोगे फ्री में? अरे नहीं नहीं फ्री में कह देंगे, उसका भी पैसा लगेगा। अरे तो काहे बोल रहे हो, गद्दा आपको देंगे ना, तुमको ये बोलना चाहिए गद्दा आपको खरीदना पड़ेगा, फिर हमारा मर्जी हम खरीदे या ना खरीदे। दूसरा पलंग दिखाओ, ये भी अच्छा नहीं लगा, इसमें दो दो जगह गद्दा होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सोना कहाँ पे है। दूसरा दिखा दूसरा, जिसमें एक गद्दा हटे बस। अरे ये कैसा बुढ़ा है, क्या बकबक कर रहा है, और आ गया पलंग लेने शोरूम में। चलो दिखाते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, पहला कस्टमर हमारा शोरूम का, देखते हैं ना कौन सा लेता है। ये देखिए चाचा, 5,00,000 रुपया का पलंग है, हमारा शोरूम का सबसे महंगा पलंग, कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं इसका डिजाइन कितना बढ़िया है। अरे जब तुम्हारा शोरूम का सबसे महंगा पलंग है तो अपना शोरूम में ही रहने दो ना, हमको काहे दे रहा है, कस्टमर आएगा तो उसको दिखाना ये हमारा शोरूम का सबसे महंगा पलंग है। अगर हम ले लेंगे तो तुम कैसे दिखाओगे अपना शोरूम का सबसे महंगा पलंग? इसको यहीं पे रहने दो, देखने में अच्छा लग रहा है तुम्हारा शोरूम में। अरे चाचा आप ले लीजिए, हम नया मंगवा के रख लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा अगर शोरूम नहीं चलेगा ना तो जिस दिन बंद करोगे अपना शोरूम उस दिन हमको फोन कर देना, हम उस दिन कबाड़ी का भाव में ले लेंगे ये वाला पलंग, कहे कि हमारा हैसियत नहीं है 5,00,000 का पलंग खरीदने का। अरे तो चाचा आपको क्या चाहिए, सीधा सीधा बोलिए, कौन सा पलंग पसंद आ रहा है? अरे पसंद तो हमको सब पड़ गया है, वो तो हम तुमको ऐसे ही बोल रहे हैं, हमको ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, तुम 1,00,000 का पलंग दिखाओगे हमको पसंद नहीं आएगा? हम तो खटिया में सोते हैं, हमारा घर में खटिया ही लगा हुआ है, तुम हमको कोई भी पलंग दे दोगे हमको पसंद नहीं आएगा? हम लेने थोड़ी ना आए, हम तो रास्ता से गुजर रहे थे, देखे बढ़िया शोरूम खुला है तो हम आ गए देखने के लिए, देखे क्या क्या कलेक्शन पड़ा हुआ है। तुम चिंता मत करो, हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत है, सबको बोलेंगे, कोई ना कोई तुमसे जरूर लेगा, समझे? अभी तो हमारा दोस्त का बेटा का शादी है, उसको बोल देंगे तो जरूर खरीदेगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो हमको, हम जाते हैं, आदमी भेजते रहेंगे। अरे ये साला बुढ़ा तब से हमारा टाइम पास कर रहा है, 20 मिनट से घुमा रहा है, ये पलंग में ही है वो पलंग में ही है, पहले नहीं बोल सकता था, हम शोरूम घूमने आए, हमारा दुकान है कि मॉल है, घूमने आता है, अब साले को बोल भी नहीं पा रहे, सामने से बोल रहे हम अपना दोस्त लोग को बताएंगे तुम्हारा शोरूम के बारे में, हमारा दोस्त का लड़का का शादी भी है, काहे कि शादी में तो लोग सब पलंग वलंग खरीदता है ना, हो सकता है सेल वगैरह करवा दे, अब इसको बोल भी नहीं पा रहे कुछ, लेकिन इसका दोस्त बढ़िया होगा ना, किसी की तरह होगा, अब क्या करे। एक काम करते, दे देते विजिटिंग कार्ड, आएगा कहीं ले लिया तो हमारा फायदा हो जाएगा ना। ठीक है चाचा, नीचे चलिए विजिटिंग कार्ड दे देते आपको, अपना दोस्त लोग को बोल दीजिएगा, अगर वो आपके रेफरेंस से आएगा ना तो 10% का छूट देंगे उस लोग को। और अगर हम ही वापस आ जाए लेने तो हमको कितना परसेंट छूट दोगे? 90% का दोगे ना? अरे 90% का छूट कौन देता चाचा, आपको भी 10% का मिलेगा। अरे तब तो हम अपना दोस्त को ही भेजेंगे, हम नहीं आएंगे।
हाँ ठीक है चाचा, आप अपना दोस्त को ही भेजेगा। हाँ भैया बोलिए, क्या चाहिए आपको? अरे कुछ चाहिए नहीं भैया, हम आपको कुछ देने आए हैं। अरे क्या देने आए हैं बोलिए? हमारी बतिया का शादी है कल, उसी का कार्ड देने आए हैं आपको। अरे आप है कौन? हम आपको जानते हैं जो आप हमको कार्ड देने आए हैं। अरे आप तो हमको नहीं जानते हैं लेकिन हम आपको जानते हैं। अरे वो कैसे? अरे थोड़ा देर पहले हमारे चाचा जी आए थे ना पलंग देखने। तुम्हारा साले चाचा देखने आया था कि टाइम पास करने आया था? ये भी तो साला कहीं टाइम पास करने नहीं आया है। हाँ तो चाचा आपको पलंग लेने भेजा है? अरे नहीं नहीं, हमारे चाचा आपके बारे में हमको बताए तो हम सोचे हमारी बचिया का शादी है तो आपको भी कार्ड दे दे। कल हमारा बचिया का शादी है तो शादी में जरूर आइएगा और हमारा बचिया को आशीर्वाद भी दीजिएगा अपना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, काहे कि हमारा चाचा हमको बोला आपका शोरूम बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा आपका टकला है और उतना ही बड़ा आपका दिल भी है। अरे इस साला हमारा तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा? तो कल जब आप हमारे बचिया की शादी में आइएगा ना तो एक पलंग ले आइएगा गिफ्ट में। काहे कि चाचा आपको पता है हम बहुत गरीब है, हम अपनी बचिया को शादी में एक खटिया भी नहीं दे पाएंगे, हमारा स्थिति इतना खराब है। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं चाचा, एक बार आप हमारा बचिया की शादी में आके एक पलंग गिफ्ट कर दीजिएगा, हमारा बचिया आपको आशीर्वाद देगा जिंदगी भर। आपको पता नहीं है चाचा हम कितना गरीब है, हम इसी तरीके से दुकान पे जा जाके अपना बचिया का दहेज इकट्ठा किए है। कोई हमको स्कूटर दे रहा है, कोई हमको बाल्टी दे रहा है, आप हमको एक पलंग दे दीजिएगा। अरे साला रे, मारेंगे एक डंडा ना तो दहेज तोड़ देंगे तुम्हारा। बकवास करता है दुकान पे आके, हमारा बचिया की शादी में ना एक पलंग दे देना। जाके अपना दामाद को बोलो शादी साला वो करेगा, पलंग हम देंगे उसको, बोलो पलंग खरीदने। ये साला दिन ही पनाती है, सवेरे से उल्टा सीधा लोग आ रहा है। साला जो धंधा खोलते है पगलेट सब आता है, शादी में अपना बचिया को पलंग देने के लिए हमारे पास आया है। साला 2% का कार्ड देके 50,000 लाख रुपए का पलंग चाहिए इस लोग को, हमको पहले ही लगा था वो बड़ा साला भिखारी है, इसीलिए भिखारी कस्टमर सबको भेजा है। कोई भी आएगा ना उसका रेफरेंस से डांट के भगा देना, कुछ नहीं दिखाना और नहीं बात करना उससे। अंकल एक अच्छा पलंग दिखा दीजिए। अरे हाँ हाँ दिखा देते पलंग। अरे ये लड़की तो बड़ी मस्त है रे, इतनी बढ़िया बढ़िया लड़की सब आती है दुकान पर, इसीलिए तो हम टकला की दुकान पर काम करते हैं। ट्राई की हम बढ़िया बढ़िया लड़की सब आती है, इसी बहाने से उस लोग से मुलाकात भी हो जाता है। ये लड़की को तो पलंग हम ही दिखाएंगे। अरे सेठ जी आप मत जाइए, हर जगह फुदक कर चले जाते हैं, अपना वैल्यू का गिरा रहे हैं। मालिक है आप शोरूम का, हम स्टाफ है, हमको काय के लिए रखे हैं? पलंग दिखाने के लिए ना, तो दिखाने दीजिए पलंग। अच्छा अच्छा जाओ जाओ बढ़िया से दिखाओ, देखना ले ले पलंग। जी सेठ जी, चलिए मैम दिखा देते हैं पलंग आपको। मैम ये पलंग देखिए, एकदम मस्त पलंग है, एक बार आदमी सो जाए उठने का मन ही नहीं करेगा इस पलंग से, इतना मस्त पलंग है, गहरा नींद आएगा गहरा नींद, पूरा 50,000 रुपए का पलंग है। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सिंगल बेड है, मुझे डबल बेड चाहिए। अच्छा मैम डबल बेड चाहिए, ये लड़की लग रहा है पलंग हमारे लिए भी ले रही है, कहे कि हम भी तो सोएंगे बगल में। ये देखिए मैम 1,00,000 रुपए का पलंग है डबल बेड, एक साइड आप सोइएगा एक साइड आपका दूल्हा सोएगा, मस्त नींद आएगा। और इस पलंग के साथ आपको एक गद्दा भी फ्री मिलेगा जो लगा हुआ है, अगर ये चाहे लड़की तो पति भी फ्री मिलेगा जो बगल में दिखा रहा है। पलंग तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा लग रहा है। अरे मैम थोड़ा नहीं, बहुत महंगा पलंग है, बताए जो 1,00,000 रुपए का है, हमारा सेठ जी को 50,000 में आया है, 50,000 रुपए कमा रहा है, डिस्काउंट करवा देंगे चिंता मत कीजिए, एक बार आप हाँ तो कीजिए। लेकिन इस पलंग का क्वालिटी एकदम सुपीरियर है, एक बार लेट कर देखिए ना, मस्त आनंद आएगा। मैम मजा आ रहा है ना, हमको भी बहुत मजा आ रहा है। अरे तुम क्यों सो गए हो? अरे मैम डबल बेड है ना, अगर आप सिंगल सोइएगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए बगल में हम भी सो गए हैं ताकि आपको पता चले कि डबल बेड है, ऐसा नहीं हो कि हम आपको ठग लें, डबल बेड बोलकर सिंगल बेड दे दें। और जब दो लोग सोएंगे तो पता भी चलेगा ना आपको कि पलंग में स्पेस कितना है, सोने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो मैम अगर हम आपके बगल में सोए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा इसको भी दिक्कत नहीं हो रहा है, लाइन दे रही है साफ साफ नहीं बोल पा रही है, अभी थोड़ा शर्म आ रहा होगा, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी। चलो ये पलंग मैं ले लूंगी, लेकिन डिस्काउंट दिलवाओगे ना? एक बार सेठ जी से बढ़िया डिस्काउंट दिला देंगे ना, उसके बाद तो फट जाएगी। अरे हाँ हाँ मैम बोले ना, आपको काला कद्दू का बात पर विश्वास नहीं है क्या? एक बार बोल दिया डिस्काउंट दिलवाएंगे तो पक्का डिस्काउंट दिलवाएंगे, हमारा सेठ जी हमारा बात कभी नहीं काटता है, हम उनका वफादार स्टाफ है। सेठ जी मैडम को पसंद आ गया 1,00,000 का पलंग, लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको डिस्काउंट चाहिए,
और हम बोल दिए कि 50% डिस्काउंट दिला देंगे सेठ जी से। सेठ जी हमारा बात नहीं काटेंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है, कहाँ से दे पाएंगे 50,000 में ये पलंग? 50,000 में तो हमको नहीं पड़ा है, ऐसे दे देंगे। अरे सेठ जी झूठ मत बोलिए, आप ही तो बोले थे कि 40,000 का पलंग है। अगर 50,000 में दीजिएगा तभी तो आपको 10,000 का फायदा ही होगा, नुकसान कहाँ है। मैम भी खुश हो जाएगी, आपसे भी और हमसे भी। अरे सुनिए, पलंग नहीं देना हमको, नहीं मिल पाएगा पलंग, छोड़ दीजिए, दूसरा दुकान से देख लीजिए। और तुमने साला काला कल उठा, तुम्हारा जवान के चक्कर में हम अपना नुकसान करवाए हैं? तुम्हारा जवान का क्या वैल्यू है? तुमको साले बोले तो दिमाग से काम करना, कस्टमर से ज्यादा बकबक नहीं करना, कस्टमर को कन्विंस करना, तुम उसको रेट बताता है, इस रेट में खरीद पड़ा मालिक को, मार के दें तोड़ देंगे तुम्हारा। लड़की देखता नहीं कि जवान फिसलने लग जाता है तुम्हारा, तुमको तो साले हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी धंधा खोलते है तो पागल सब आता है, और अगर कोई सही कस्टमर आता है तो तुम उसके साथ उल्टा सीधा बात करता है, बिजनेस का डिटेल दे देता है, और हमारा दुकान का रेपुटेशन भी खराब करता है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, देर तोड़ देंगे तुम्हारा। तो दोस्तों अगर आपको जानना हमारा ये शोरूम चलता है कि नहीं चलता है तो टकला नेता कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा ना अगला भाग में ये शोरूम चला के रहेंगे हम, और अभी हम इस काला कलूटा को छोड़ेंगे नहीं, इसका देह तोड़ देंगे, बहुत नौटंकी करता है। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये हमारा शोरूम चलेगा, क्या स्कीम लगाना चाहिए, कैसे हमारा पलंग बिकेगा।